हो चुकी है, जबकि बगहा में 66 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। देश में बनी सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। कुछ राज्यों में इस तरह के विभाग हैं, लेकिन केंद्र स्तर पर अब तक सहकारिता सेक्टर के लिए अलग से कोई मंत्रालय नहीं था। ऐसे में अब इस मंत्रालय की कमान अमित शाह के हाथों में है और उन्हें सहकारिता सेक्टर में काम करने का लंबा अनुभव है। देश में बनी सहकारिता समितियों के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। कयास ये थे कि किसी मंत्री को कैबिनेट विस्तार के बाद इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन किसी नए मंत्री को इसकी जिम्मेदारी देने के बजाय देश के गृह मंत्री को इसकी जिम्मेदारी दी गई। दशकों के बाद पहली बार गृह मंत्री को किसी दूसरे मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला बहुत सोच समझ कर किया है और इसके पीछे अहम कारण है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्री शपथ ले रहे थे, उससे एक दिन पहले ही सहकारिता मंत्रालय बनाने का ऐलान किया गया था और शपथ ग्रहण के अगले ही दिन ऐलान कर दिया गया कि नए मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री ने अमित शाह को इस मंत्रालय के लिए क्यों चुना, उसके पीछे भी खास वजह है। गृह मंत्री के रूप में मुझे लगता है कि एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। मंत्रालय के कामकाज पूरे देश भर के राज्यों के साथ तालमेल रहता है, उसी तरह सहकारिता के क्षेत्र में भी एक रोजगार की दृष्टि से कहा जाए तो एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। दरअसल सहकारी समितियों की पहुंच गांव-गांव तक होती है और इन समितियों के संगठन को दुरुस्त करके सरकार सहकार से समृद्धि यानी कि गरीबों तक सहकारिता का फायदा पहुंचाना चाहती है। इसलिए लंबे अनुभव वाले अमित शाह को ये मंत्रालय सौंपा गया। कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए एक नया अभियान जो शुरू हुआ है उसके तहत मंत्रालय रहने से और गृह मंत्री चूंकि कई गड़बड़ियां आपको याद है, इवन गुजरात सहित कई सहकारी समितियों सहकारी बैंकों को लेकर के सवाल उठे थे, तो एक तालमेल अच्छा हो सकता है कि सहकारिता में गड़बड़ ना हो, गरीब किसानों का मजदूरों का या जो और भी लोग सहकारिता में महिलाएं हैं बड़े पैमाने पर उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता का आंदोलन एक अहम भूमिका निभा सकता है और यही काम यदि इस मंत्रालय कर सकेगा ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। अलग सहकारिता मंत्रालय देश भर में चल रहे सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार करेगा जिसकी जिम्मेदारी मोदी के खास रणनीतिकार यानी कि शाह को सौंपी गई है। हम सब साथ मिलके आज गुजरात की जो कोऑपरेटिव की स्थिति आप देख रहे हैं, ये हमारी पूरी टीम ने काम किया है मोदी साहब के मार्गदर्शन। तो अमित भाई को जो जिम्मेदारी देगी गृह की दो कोऑपरेटिव की दो या और किसी की भी, हर क्षेत्र में वो काबिलियत उनकी है खुद की और उनकी सफलता उनके पाँव में है, इसलिए सफलता की ओर ही चलते। अमित शाह को इस मंत्रालय को सौंपे जाने के पीछे मकसद है सहकारिता क्षेत्र में जान फूंकने की रणनीति। अमित शाह को इस क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव है। गुजरात की राजनीति में रहते हुए सहकारिता क्षेत्र में पार्टी का परचम तो लहराया ही, साथ ही मुनाफा कमाने के कई रिकॉर्ड भी कायम किए। सहकारिता क्षेत्र में शाह का गुजरात मॉडल भी इन्हीं वजहों से सुर्खियों में रहा। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में बीजेपी की राष्ट्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक रह चुके हैं। अमित शाह 36 साल की उम्र में अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने थे। उस वक्त ADCB यानी कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। अपने एक साल के कार्यकाल में अमित शाह ने 20 करोड़ 28 लाख का बैंक का घाटा पूरा किया था और न सिर्फ घाटा पूरा किया बल्कि उसी साल बैंक को 6 करोड़ 60 लाख रुपए का लाभ भी हुआ था। देश में चल रहे बहुत से सहकारी बैंक या तो भ्रष्टाचार का शिकार हैं या फिर घाटे में डूबे हैं। इन्हें उबारने के लिए अब अमित शाह का अनुभव काम आने वाला है। गुजरात में खुद अमित शाह जी और भी कई बड़े ऐसे नेता रहे हैं जो लगातार सहकारिता के बैंकों से सहकारिता के अभियान से सहकारी समिति से जुड़े हैं, तो उनके अनुभव का लाभ महाराष्ट्र और गुजरात में जैसा मैंने पहले भी कहा उसका लाभ निश्चित देश के अन्य भागों में खास करके किसानों मजदूरों महिलाओं युवकों के सहकारी समितियों को कैसे सुनियोजित ढंग से चलाया जा सके उसके नियम कानून पहले भी कुछ रहे हैं और अधिक सुधार करके बैंकों से कैसे लाभ मिला सके। अलग सहकारिता मंत्रालय से सहकारी समितियों का ढांचा सुधारा जाएगा, लेकिन इस मंत्रालय के बनने से राजनीतिक पार्टियों पर भी आंच बढ़ सकती है। जैसे महाराष्ट्र में सहकारी समितियों पर NCP और कांग्रेस का बड़ा कब्जा है, ऐसे में अलग सहकारिता मंत्रालय से महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल बढ़ सकती है। कांग्रेस और NCP के कई ऐसे नेता हैं जो बड़े बड़े घोटालों में उनके आज भी फाइलें घूम रही हैं, उन पर नियंत्रण करना या उनको उनके उनके जो स्वार्थ हैं उसको जरूर कुठाराघात हो सकता है। मोदी सरकार अब से पहले जल शक्ति के नाम से नया मंत्रालय बना चुकी है।
अब देश भर की सहकारी समितियों को दुरुस्त करने का काम ये नया मंत्रालय करेगा। देश की सहकारिता समितियों को मजबूत बनाने के लिए नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। कुछ राज्यों में इस तरह के विभाग हैं, लेकिन केंद्र स्तर पर अभी तक इस तरह का कोई भी मंत्रालय नहीं था। देश में सहकारी समितियों के जरिए देश के गांव, गरीब और किसान को फायदा पहुंचाने के लिए इस मंत्रालय के बेहद मायने हैं। कहा जा रहा है कि इस विभाग की अहमियत कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के जैसी होगी।